माननीय मुख्यमंत्री माननीय गुजरात में आपके यहाँ आए हैं और आपका प्यार, आपका सम्मान, आपने जो इज्जत दी है उसका दुनिया की किसी करेंसी में कोई मोल नहीं है, दुनिया की किसी। और गुजरात में जब भी आते हैं इतना प्यार मिलता है क्योंकि गुजरात में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन, कुछ लोग आप जैसे हिम्मती लोग सामने आ जाते हैं, हैं वो भी हमारी तरफ, लेकिन वो धंधा था, धंधा भी तो चलाना है ना उनको। ठीक है वो वहीं रहे लेकिन अंदर से काम करते हैं बस, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज महात्मा गांधी जी की धरती पे आए जिन्होंने देश आजाद कराया, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने देश आजाद कराया। लेकिन दुख से कहना पड़ता है उन्होंने इस चीज के लिए देश नहीं आजाद कराया था कि अंग्रेज चले जाएं और बाद में हमारे वाले लूटें। तो इसका मतलब है गुजरात वालों के पहले लड़े थे गोरों से, समझ नहीं आया, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको ये कह सकूं इसको बोल दो इसको बोल दो, पर मेरा मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते इतना तो फर्ज बनता है कि मैं देश में, पूरे देश में जहां भी मैं जाऊं, मैं ये तो बताऊं, मैं ये तो बताऊं अपने देशवासियों को कि जो आजादी है वो हमारे तक नहीं पहुंची अभी, वो तो लाल बत्ती वाली गाड़ियां और इनके महलों तक ही रह गई, हमारे यहां आजादी नहीं। आजादी हमारे तक पहुंची होती, शहीदों के सपनों की आजादी अगर हमारे यहां पहुंची होती तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन जाते। हमारे यहां आजादी पहुंची होती तो कोर्ट कचहरी थाने में आम गरीब की बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उसकी सुनवाई हो जाती है। नहीं पहुंची ना आजादी, वही आजादी आप तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी। और पंजाब में 7 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, किसी पंजाबी दोस्त से पूछ लेना, फोन कर लेना, झूठ बोलूं तो 7 महीने में 20,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी देकर आया हूं आपके पास, सरकारी नौकरियां। और सभी लड़के लड़कियां अपने अपनी टेबल पर, अपने अपने कुर्सी पर बैठकर वो ड्यूटी कर रहे हैं। ये फर्क होता है। पंजाब में हमने कहा था बिजली मुफ्त हो जाएगी तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, मैंने कहा आप में से आएंगे, जो आपने लूटा हुआ है वो सब निकालेंगे। 1 जुलाई के बाद हमने बिजली फ्री कर दी। पंजाब में 74 लाख मीटर हैं लगभग, और लगभग 50 लाख मीटर को बिजली का बिल जीरो आता है गुजरात वालों, जीरो। अगर आप भी चाहते हैं बिजली का बिल जीरो आए तो झाड़ू वाला बटन दबाना, एक तारीख को जब बटन दबाने जाओगे मेरा पूरा भाषण भले ही आप याद रखना, भूल जाना, लेकिन दिल से बोल रहा हूं भाई साहब, दिल से। एक टीचर का बेटा हूं, मुझे नहीं पता था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एक बहुत ही फेमस कलाकार था, पैसे कमाता था, टीवी में आपने देखा होगा बहुत जगह पे मुझे। क्या जरूरत थी मुझे इनसे पंगा लेने की, क्या जरूरत थी इनसे मुझे गालियां खाने की, लेकिन देश के लिए मैंने कहा अगर ये अच्छा नहीं करते और हम भी अच्छा ना करके भी इनको देखते रहे। देखो बुरे लोग उतनी देर बुरे रहते हैं जितनी देर अच्छे लोग उनके खिलाफ उठते नहीं, जागते नहीं। ये पब्लिक है, ये चुप कर जाए 5 साल, होंठ सीले 10 साल,
सबर कर ले 15 साल, दिल पे पत्थर रख ले आपकी तरह 27 साल, लेकिन 27 साल बाद जब ये जनता जाग जाती है ना, फिर 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है ये जनता। मेरी बातें याद मत रखना, एक बात याद रख लेना, एक तरीको जब घर से निकलोगे ना धोकर, जब आप जाओगे पोलिंग बूथ पे तो एक मशीन आपके सामने आएगी, उसमें बटन होगा, बटन के सामने उसका निशान होगा, बस ये बात याद रख लेना। भगवंत मान आया था वो कह के गया है, वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही किसी हाथी का है, वो बटन ना ही किसी तकड़ी या ना ही किसी दाती या कि हथौड़े का है, वो बटन ना ही किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार की किस्मत का बटन है। अगर तो चमकाना चाहते हो किस्मत तो झाड़ू वाला बटन दबा देना, वरना 27 साल हो गए बत्ती हो जाएंगे, इसमें क्या फर्क है। अरे भाई साहब वो सामने पेड़ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है पेड़ भी मुझे कह रहे हैं कि समझा दो इनको कि हर साल हम भी पत्ते बदल लेते हैं, ये तो कुछ बदल ले, तो बदलोगे फिर इस बार झाड़ू। भाई साहब एक बात का वादा करता हूं और गारंटी भी देता हूं केजरीवाल जी के बिहाफ पर, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आम लोगों को, आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। 92 विधायक हैं पंजाब में 117 में से, 92 में से 82 पहली बार जीतते हुए आम लोगों के, आप लोगों के बेटे बेटियां हैं 82। अभी यहां कोई हमारा MLA खड़ा होगा पंजाब का, ये देखिए आप ऊपर आए, कोहली साहब पटियाला से जीते हैं और पहली बार इलेक्शन लड़े, हराया किसको, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये बैठे पहली बार इलेक्शन लड़े और आपके बीच में, आपको पता भी नहीं कि आपके बीच में घूम रहे हैं, ये होता है आम आदमी पार्टी। तो 82 पहली बार जीते हैं भाई, आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं विधायक बन सकते, आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं चेयरमैन बन सकते, क्या उनको चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना नहीं आता, इनके रिश्तेदारी खत्म नहीं होते यार, ये इसका बेटा है, ये इसके चाचे का बेटा, ये इसकी मौसी का बेटा, ये इसकी बुआ का बेटा, हद है यार, तो यही आएंगे, हम क्यों नहीं सेवा कर सकते देश की। तो आम आदमी पार्टी आप लोगों को टाइम देती है, आम आदमी पार्टी आप जैसे लोगों को, ये देखो बहन ये किसी भी तरफ से लगता है पैसे खर्च लेगी, पैसे नहीं है हमारे पास भाई साहब, गुंडागर्दी भी हम नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है, हमारे पास लोगों के दिलों में खाते खुलवाए हुए हैं, उससे बड़ा खजाना दुनिया में कोई होता है। आप लोग ऐसे लोगों को भेजिए, विधायक बना के भेजिए, वहां से कानून अच्छे बन के आएंगे। अब करप्ट लोगों को, भ्रष्ट लोगों को भेज देते हैं, या जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जाते ही नहीं है, हमने क्या लेना है, 5 साल गालियां देते हो फिर, उस दिन जाते भाई, जाके अपना मत तो दो, किसी को मत दो, बस मैं नहीं कहता कि मुझे दो, मैं नहीं कहता किसी को, नोटा दबा दो, लेकिन कम से कम जाके तो आओ ना, कम से कम पता तो चले। मतलब पढ़े लिखे इलाकों से सबसे ज्यादा शिकायत आती है, सबसे कम वोटिंग, भाई पढ़े लिखे लोगों को तो जाना चाहिए, डेमोक्रेसी है ये, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ने आजादी लेके दी है, ये वोटर कार्ड कोई बहुत आसानी से नहीं बना, कुर्बानियां लगी हैं, और उस वोटर कार्ड को या तो इस्तेमाल नहीं करते या किसी लालच में आकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एक बार सही इस्तेमाल कर लो, दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब और दिल्ली में सही इस्तेमाल हो गया, इसीलिए आपके पास मुख्यमंत्री बन के खड़ा हूं। आम घर का बच्चा हूं, आम घर का, इसीलिए मुझे नहीं पता ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल, ये पुलिस है हमारे पास, ये इनकी ड्यूटी है। मैंने कहा जी मुझे तो कोई खतरा नहीं, मुझे कौन मारेगा, कहते जी हमारी ड्यूटी है प्लीज, मैंने कहा जी मुझे, कहते जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, मैंने कहा जहाँ इतनी गाड़ियां घूम रही हैं तुम भी घूम लो, चलो उधर चलते हैं। जिसका लोगों के दिल में खाता हो उससे अमीर आदमी कोई नहीं है, फिर मेरे बैंक में नहीं खाते, अरविंद केजरीवाल का बैंक में खाता नहीं है,
लेकिन आपके दिलों में तो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास आकर कि इस बार जो हमारा चुनाव चिन्ह है, मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है ये सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। सर्वे में नहीं आते, सर्वे में नहीं आते, सरकार में आते हैं, ये फर्क है बस। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि जो ये इनका लूट के खा गए भाई साहब। अच्छा कहाँ ले गए फिर पैसा? या तो भगवान के साथ बात हो गई होगी कि आपके वाला पैसा ऊपर आएगा साथ हमारे। बैंक लूट लिए, एयरपोर्ट लूट लिए, लोग लूट लिए, हमारी पढ़ाई खा गए, दवाई खा गए, सड़कें खा गए, कहाँ ले गए फिर इतनी? लेकिन इनकी नीयत, वो हमारे पंजाबी में कहावत है कि पेट का भुखा तो रज जाता है, नीयत का भुखा नहीं रजता। मतलब अगर पेट का भूखा हो वो आदमी खाना खा के सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन जिसकी नीयत भूखी हो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये नीयत के भूखे हैं। किसी नदिया के घाट पर अगर जय राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर जय राजनीतिक लोग बस जाते तो लोगों के प्यासे होठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। दो नारे लगाएंगे इनकलाब जिंदाबाद के, दोनों हाथ ऊपर करके लगाने हैं, क्योंकि ये नारे शहीद आजम भगत सिंह लगाते थे। अंग्रेजों के कान कांपते थे कान कि ये कौन लड़के आ गए, इसलिए आज वालों के कान का यहाँ पे देखो बीजेपी वाले भी खड़े होंगे, उन्होंने रिपोर्ट भी देनी है शाम को अपने आकाओं को कि जी ऐसा इतने ऊंची तो नारे नहीं सुने कभी। तो दोनों हाथ ऊपर कर इनकलाब, थोड़ा ऊपर कर लो तो मतलब उनके तक ही पहुंच जाएगी, बीच वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनकलाब भारत माता की, बोले सोनिहाल। आपने इतना प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, पूरी जिंदगी बोलूंगा भाई साहब भारत माता के बटन पे अपना और रिश्तेदारों को दोस्तों को बोलना अच्छे कामों के लिए अच्छे लोगों को ले जाओ। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी की जय।